राजधानी दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस को शानदार और जाम फ्री बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए फरवरी से 3 महीने तक सीपी के इनर और मिडिल सर्कल में वाहन नहीं चलेंगे। गुरुवार को शहरी विकास मंत्रालय, एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू कर रहे थे। बैठक में कनॉट प्लेस एरिया में राहगीरों की आवाजाही को सामान्य बनाने पर खास जोर दिया गया। साथ ही यह फैसला लिया गया कि फरवरी महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कनॉट प्लेस में काम शुरू किया जाएगा। 3 महीने तक प्रोजेक्ट के व्यवहारिक पहलुओं की पड़ताल होगी। इसमें आउटर सर्किल पर वाहनों का दबाव, पार्किंग क्षमता, राहगीरों और दुकानदारों के अनुभव के आधार पर प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। साथ ही शिवाजी स्टेडियम, बाबा खड़क सिंह मार्ग और पालिका पार्किंग से पार्क एंड राइड की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राइडिंग सुविधा के तौर पर किराए की साइकिल, बैटरी रिक्शा आदि वाहन होंगे। दूसरी तरफ वाहनों के हटने से जो जगह बचेगी उस पर वॉकिंग जोन, फुआरे, लाइटिंग, साउंड शो, कैफे हाउस, पब्लिक प्लाजा जैसी नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। तो दिल्ली के दिल को और स्मार्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है और जुलाई महीने तक सीपी एक नए रूप में नजर आएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।